एक जो चीज़ आपकी तबीयत पे जज्ब हो जाती है नीलेश जैसे खाना पीना सोना जागना गाना तो मेरे लिए सिंस uh, चाइल्डहुड वही था ले उसको एक विराम मिल गया था एंड लाइफ हैड टेकन अ वेरी ब्यूटीफुल टर्न बट दैट वाज नॉट हैपनिंग जैसे मैं गा रही थी मैं तो म्यूजिक वाज फॉर मी सिर्फ गा नहीं रही थी पूरे टाइम तो सुनती थी पूरे टाइम सुनना पूरे टाइम गाना एंड uh, एक अलग परिवेश में जाने के बाद जहाँ पे चार चार पाँच पाँच नौकर चाकर अर्दली हमेशा पता चला जब एस डी एम है तो पता चला कि वो मुकदमा किसी ने किसी को खेत में छूरा मार दिया तो उसकी पेशी हो रही है तो यू you नो know, घर पे अदालत लग रही उसकी जब एस डी एम था उस समय रखती थी तो वो रस्सी पकड़ के आ रहा हो क्या गाना बजाना बिजली चली गई बिजली पर वहाँ पर उस समय जनरेटर वगैरह की सुविधा नहीं थी तहसील हेडकोार्टर में हम रहते थे तो हाई वोल्टेज आया तो फ्रिज फूक गया उसकी फिर आप चीज़ों में लग रहे बच्चे के लिए दूध गर्म नहीं है तो फिर वहाँ जा रहे हैं पानी नहीं आ रहा तो कुएं से ला स्ट्रगल्स एंड एक्सपेक्टेशन्स एंड लाइफ took अ डिफरेंट टर्न और मुझे वाकई लगा कि एक्चुअली ठीक है वो एक फेज़ था ये दूसरा फेज़ है और ये मैं आपको जो बता रही मेरी शादी को चार पाँच साल चार साल हो गए थे साढ़े चार साल की बात है एंड ये क्यों ये गाना चुना और क्यों मैंने गाया और कैसे उसके बाद ये मेरी बहन ने मेरे पिता से बोला एंड ये मेरे ये बात तो मुझे बहुत बाद में पता चला दैट माई सिस्टर टोल्ड माई फादर लेकिन प्रोड्यूसर उसे दिन कहा था कि आपके फादर आए थे हमने मैंने घर में बोला पापा आप क्यों गए वहाँ पर बोले तो यू ने पापा ने कहा नहीं सच में तुम क्यों नहीं गा रही हो पापा ने कहा पापा ये लोग बुलाते नहीं हम कि ये सोचते हैं कि कोई और ये बात अगेन दैट्स दैट्स अगेन मतलब ये मैं कहूँगी कि उसका हमारा एक नेगेटिव आस्पेक्ट भी था कि शादी होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि आई हैव बिकम अनअप्रोचेबल इनसे अब कौन बात करे कैसे जाए और उस जमाने में मोबाइल्स तो होते नहीं थे नहीं। नहीं। इनसे फोन करने के लिए पहले अफसर से बात करना पड़ेगा या फिर हस्बैंड से इजाज़त लेनी पड़ेगी और फिर वो तो उन्हें अच्छा, अच्छा, लगेगा, नहीं, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा या शायद अब ये नहीं गाएंगी लोगों ने अपने आप निर्णय लिया कि शादी के बाद ये 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 जो आपने बहुत अच्छी पर टच किया कि ये जो मैं लड़कियों को अक्सर अप जो ए, एक कहानी लिखी थी मैंने आ, अपने सीजन वन में सुनाई थी उसका नाम था का मापा तो उसमें जब लड़की आ, विदाई के बाद घर में दाखिल होती है तो वो पहले शब्द जो सुनती है वो हस्बैंड की आवाज़ है वो नौकर से कह रहा है कि हारमोनियम स्टोर में रख दो और आ, आ, उसके बाद रोज़ वो स्टोर में जाती है और सामने हारमोनीय रखा होता है छः कदम दूर और वो छः कदम का फ़ासला नहीं तय कर पाती है और किस तरह से वो आ, एक तरकीबें करती है संगीत दोबारा सीखने के लिए।, के लिए ये जब दो हज़ार बारह में शायद मैंने लिखी थी कहानी और अपने फर्स्ट सीज़न में सुनाई थी उसके बाद मुझे न जाने कितने लोगों के मैसेज आए इंक्लूडिंग मेरे पर्सनल फ्रेंड्स के लड़कियों के और उन्होंने कहा कि ये तुमको कैसे पता क्योंकि तो मेरी मेरी कहानी क्योंकि माँ की है। कहानी है, है। आ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो तो ये जो गिविंग आफ्टर मैरिज ये तो रोज की सच्चाई है हिंदुस्तान की, आ, की जो चीज़ें हम मंडली में राइटर्स हाँ। कितने हैं हमारे जो ज्यादातर राइटर्स राइटर्स नहीं थे प्रोफेशनल राइटर्स नहीं हाँ, उनके शादी हो गई था जो शौक था, था जो गिव अप कर दिया सुनते रहे सुनते रहे तो लगा अरे एक कसक भी हुई मैं हम भी लिखते किसी दिन चोरी से एक मेल भेज दी वो हमने ये जो तकलीफ है अंडरलाइंग तकलीफ हर औसत हिंदुस्तानी औरत की आ, कितना बड़ा कड़वा सच है ना देश का इसमें एक चीज़ बस मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूंगी जो आपने कहानी बताई उसमें हस्बैंड कहता है बाजा रखो मेरे हसबैंड हाँ, उल्टे थे हाँ, बाजा निकालो हाँ, नहीं लेकिन नहीं 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 ये नहीं, भी नहीं, तब भी औरत की औरत बड़ी ऐसी चीज़ भगवान ने बनाई जब जिसकी होती है तो पूरी तरह हो जाती है आप समझ रहे हैं, मैं क्या कह रही हूँ तभी आप देखते हो कि जो बहती है तो बह जाती है इसीलिए इसीलिए बैलेंस बहुत कम मिलता है क्योंकि वो माँ है तो पूरी तरह माँ होती है लेकिन आ, मेरे लिए ये सोच रहा हूं यह हमेशा कहते थे कि आज कुछ सुनाओ तुमने गाया नहीं बल्कि मुझको एक बात कहते थे तुम टिपिकल टिपिकल हाउस वाइफ हो जा रही हो मुझे लगता था कि मैं क्या जवाब ये।, ये अनायास खुद होता है औरत अपने खुद अपने जिम्मेदारियों जिम्मेदारी कैद हो जाती है जी जी. वो कोई कहता नहीं और मैं हमेशा इस बात की एक मेटोफरिकली हमेशा बोलती हूँ इस बात को कि जैसे कई परिंदे होते हैं जिन्हें वो उसी मुंडेर पे आते हैं दुनिया भर में उड़ के फिर उसी मुंडेर पे आते हैं बिल्कुल कैद कर देंगे तो ऐसा उड़ेंगे लौटेंगे नहीं वा, तो वापस वहीं पर आना चाहते हैं मुझे लगता था कि जितना ही कहते थे आज अच्छा मेरे लिए कोई, कोई गजर आज सुनाओ आज मेरे लिए कोई गजर हो जाए तो शाम को अक्सर बाजा मैं निकाल करके इन्हें सुनाती थी के पेड़ जनी काटी ओ बाबा निमिया पे चिरैया के बसेर बलैया लेरन की बाबा निमिया के पेड़ जनी काटी ओ बाबा निमिया पे चिड़िया के बसेर बलिया लेरन की बाबा ये निमिया का जो पेड़ है नीम का इसपे चिड़ियों का बसेरा है इसे मत काटना मैं जा रही हूं अपने भाई की बलैया लेती हुई जा रही हूं घर से विदा हो रही हूं अरे बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जई है बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जई है, है। अरे रही है निमिया के बलैया ले बाबा निमिया के पेड़ जनी काटी हो बाबा निमिया पे के बसेर भलैया लेरन की आगे कहती है mm. बाबा सगरी घरे जई है हाय है, अरे रही जई हैर बलिया बीरन की बाबा निमिया के पेड़ जनी काटी ओ बाबा निमिया पे चिड़ैया के बसेर बलैया ले बीरन की मोरे भइया की मोरे दुण। दुण। दुण।